नमो सिद्धारं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सवसाहूणं चत्तारि मंगलं अरिहंता मंगलं सिंधा मंगलं साहू मंगलं केवली पणतो दम्मो मंगलं चत्तारि लोगोत्तम अरिहंता लोगोत्तम सिंधा लोगोत्तम साहू लोगोत्तम केवली पणतो दम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि सिंधे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणतं दम्मं शरणं आचार्य भगवान कुंद कुंद देव विरचित यह समय सार परमागम ग्रंथ है। इस समय सार के आश्रय से मैं अपनी आत्मा की निर्मल अवस्था को प्राप्त करना चाहता हूँ। इस संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा कल हमने आपने की और यहाँ से बात प्रारंभ की थी कि शास्त्र लिखने का, शास्त्र पढ़ने का, शास्त्र पढ़ाने का एक पक्ष ये भी है कि आचार्य भगवान भी जिस भूमिका में तीन तीन कसाई चौकड़ी का अभाव है, प्रचुर स्वसंवेदन है, ऐसे मुनराज भी अपने को और भद्र करने के लिए और निर्मल करने के लिए ये प्रतिज्ञा वाक्य किया कि मैं समय सार को लिखूंगा। और अंत अंत में ये बात कही थी कि जो समय सार सूक्ष्म से सूक्ष्म भूलों को, सूक्ष्म से सूक्ष्म दागों को मिटाने में समर्थ हो, तो अभी तो हमारा आत्मा मोटी मोटी भूलों से भरा पड़ा है, तो एक बार में ही धुल जाए। सारा का सारा मामला सिर्फ और सिर्फ यहाँ से शुरुआत है। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा हम मानते नहीं हैं, और जैसा हम मानते हैं वैसा वस्तु का स्वरूप है नहीं। इन पंक्तियों को जानते हुए भी, सुनते हुए भी, समझते हुए भी ऐसी कौन सी बाधा है कि हमको आत्मोपलब्धि से वंचित रह जाते हैं। हमको ज्ञान में समझ में नहीं आता है ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ज्ञान में तो समझ में आने लायक है ही। अब वो बहाना तो बहुत पीछे रह गया कि हमको पता नहीं था। क्यों, यदि आप एक इंद्री होते, दो इंद्री होते, तीन इंद्री होते, चार इंद्री होते, असंगी पंचेंद्री होते, तब तो ये बहाना लागू पड़ता कि भाई हम क्या करें, हमारी दशा, हमारी अवस्था ही ऐसी है कि हमको कुछ समझ में ही नहीं आता है, हमको कुछ सूझता ही नहीं है। लेकिन हम और आप संगी पंचेंद्रीय जीव हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमको नहीं सूझता है। कोई विक्षिप्त पुरुष यदि कुछ दुर्घटना में ग्रसित पाया जाए, विक्षिप्त पुरुष विपरीत कार्य कर रहा हो, तो वह उतना दंड का पात्र नहीं है, क्योंकि वह विक्षिप्त है। ऐसे ही हम यदि दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, असंगी चार इंद्रिय तक भी हम ये कहते कि हमको तत्व नहीं समझता है, तो ठीक है, नहीं समझता है तो नहीं समझता है, क्या कर सकते हैं। लेकिन संगी पंचेंद्री होकर हम ये कहें यार हमारा तत्व जो है वो ऊपर ऊपर से जाता है, हमको समझ में नहीं आता है, सच बात यह है कि हम अभी समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इतना कठिन तो तत्व है ही नहीं। कल अपन ने थोड़ी बहुत इधर उधर की बात करके, इधर उधर माने बहुत स्थूल स्थूल बाधाओं की बात करके बात की थी कि हमारा पूरा योग उपयोग उन कर्मों के नाश में लगा हुआ है जिन कर्मों के नाश का पुरुषार्थ अरहंत परमात्मा भी नहीं करते हैं। अघातीय कर्म, शरीर और संयोगों से संबंधित,
शरीर और संयोगों में परिवर्तन का भाव, शरीर और संयोगों में परिवर्तन की चेष्टा तीर्थंकर परमात्मा भी नहीं करते हैं। जैसा है वैसा है, हम इसमें उलझ जाते हैं और कभी कभी किस हिस्से को अच्छा और किस हिस्से को बुरा समझने लग जाते हैं, हमको भ्रम होने लग जाता है। ये देखो ये पुण्य का उदय है, ये देखो ये पाप का उदय है। ये पाप का उदय और पुण्य के उदय की परिकल्पना हम और आपकी है। शास्त्रकार तो लिखते हैं एक ही है ये दोनों, और उसको युक्तियुक्त सिद्ध भी किया। मैं आपसे पूछता हूँ, जो फुटपाथ पर पुरुष लेटा हुआ है, जिसके पास कुछ नहीं है रहने को, खाने को, पीने को, फुटपाथ पे है, ढंग के बिस्तर नहीं है, ओढ़ने की चादर नहीं है, अभी ऐसे जीव का उदय क्या कहलाएगा, पाप का या पुण्य का? बोलो भाई, पाप का उदय है बेचारे का। अब जिसके पास झोंपड़ी है, रहने को मकान है, चलाने को आजीविका के लिए रिक्शा है, ऐसे जीव का उदय कैसा है, पुण्य का के पाप का? कुछ परिवर्तन हुआ व्यवस्थाओं में, अब ऐसे जीव के उदय को क्या कहें, क्या कौन सा उदय इसका, पाप का क्या पुण्य का? अच्छा, अभी इसके पास कच्चा मकान है, एक और व्यक्ति है तीसरा जिसके पास पक्का मकान है, पक्का, ये तो कच्चा झोंपड़ी थी ना, पक्का मकान है, आजीविका के लिए किराने की बढ़िया दुकान है, अब इसका उदय क्या कहेंगे हम, पुण्य का क्या पाप का? एक और व्यक्ति है जिसके पास बढ़िया अच्छी स्कीम में अभी अभी फ्लैट लिया है, कमाने के लिए बढ़िया नौकरी है, उसका उदय क्या है, पुण्य का के पाप का? अब आगे बढ़ते जाओ, जिसके पास पूरा मोहल्ला है, जिसके पास पूरा नगर है, जिसके कब्जे में पूरा राज्य है, ऐसे ऐसे पुरुष भी होते हैं जिनके कब्जे में पूरा देश है, वो यदि तकलीफ में आए तो उनको बचाने के लिए पूरे देश का पैसा लग जाए, अब वो बच पाए नहीं बच पाए एक अलग बात है। ऐसे ऐसे प्राणी भी हैं जिन पर 80-80, 100-100 करोड़ रुपया खर्च हो जाए सिर्फ इसलिए कि ये बच जाएं, बच पाए नहीं बच पाए अलग बात है, मतलब पूरा राज्य जिनके हिस्से में है, बताओ वो जी के पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? सामान्य स्थूल, हम उसके भीतर अभी बाद में प्रवेश करेंगे। अब हम कन्फ्यूज हो गए कि जिन जिन को हम पाप का उदय कह रहे थे उन उनको हमको पुण्य का उदय भी लगता है, और जिन जिन को पुण्य का उदय कह रहे थे अभी हम कहेंगे मुख्यमंत्री के बहुत पुण्य का उदय है, तो फिर प्रधानमंत्री का क्या कहोगे? और प्रधानमंत्री के उदय को यदि पुण्य का उदय कहोगे तो घूम फिर के आप क्या कहोगे कि भाई साहब सीधी बात इतनी है, यदि प्रधानमंत्री की तरफ से देखते हैं तो मुख्यमंत्री के पाप का उदय है, बेचारे के भाई एक ही राज्य है, और इधर देखो पूरा देश, पूरा भारत उसके कब्जे में है, और उससे नीचे के लोगों की तरफ से देखते हैं, विधायक विधायक नगर पार्षद पार्षद की तरफ से देखते हैं तो कहते हैं मुख्यमंत्री का बहुत उदय है, वो फुटपाथ पर जो सो रहा है वो कच्ची झोंपड़ी वाला है, अब पक्के मकान वाले को देखते हैं तो कच्ची झोंपड़ी वाले का पाप का उदय है बेचारे का, और फुटपाथ वाले की तरफ से देखते हैं तो लगता है यार इसका कितना तीव्र पुण्य का उदय है। तो ओवरऑल हम देखते हैं भाई साहब उदय तो उदय है, पुण्य और पाप का जो हम कह रहे हैं बस इतनी सी बात है, आप कहाँ खड़े होके देख रहे हो। अभी मैं पूछता हूँ आपका पुण्य का उदय है क्या पाप का उदय है? सोचते सोचते 10 दफे ऐसा लगता है यार पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है, जैसे हमसे कम बुद्धि वाले, हमसे कम धन वाले, हमसे कम व्यवस्थाओं वाले लोग नजर आते हैं तो कहते हैं यार भाई साहब अपना तो बहुत गजब का पुण्य का उदय है, लोगों को देखो अस्पताल में सड़ रहे हैं सालों से, उठ नहीं रहे हैं बिस्तरों से, रोगों से भरे पड़े हैं, बोले कभी लगता है अपना बहुत पुण्य का उदय है। और जैसे ही हम अपने से अधिक धनवान, अधिक प्रभुता वाले, अधिक क्षयोपशम वाले लोगों को देखते हैं तो लगता है यार अपने तो बहुत घनी पाप का उदय चल रहा है। तो बोले पाप का उदय और पुण्य का उदय क्या है कि डिपेंड करता है आप कहाँ खड़े होकर देख रहे हो। उदय तो उदय है, जैसा बांधा था वैसा है। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे साथ ऐसा उदय क्यों आता है, जबकि कर्म के उदय का और कर्म के बंध का आपस में ऐसा गजब का बेजोड़ संबंध है कि बाय मिस्टेक ऐसा नहीं होता है कि आपने कर्म बांधा हो और मेरे उदय में आ जाए, अथवा मैंने बांधा हो और आपके उदय में आ जाए। और इस व्यवस्था को विश्व की सर्वोत्तम वस्तु व्यवस्था माना गया है, सर्वोत्तम। मेरे सामने बंद अधिकार है, 168 नंबर का कलश है, बड़ा सरल और बड़ा प्रिय कलश है ये, अबंध होने के लिए
बंध की व्यवस्था समझ लो, गठान कैसे लगी ये पता चल जाए तो 2 मिनट में खुल सकती है, और हमको ये ना सूझे कि कैसे लगी, हम माथा कूटते रहेंगे, गठान नहीं खुलेगी। इसमें लिखा है सर्वम सदैव नियतम भवती स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम। ये तथ्य वाक्य है, तथ्य वाक्य माने अब इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता है। सर्वम सदैव नियतम भवती स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम। मुख्य रूप से संसारी जीवों की 4 दशाएं हैं, जन्म होता है, मरण होता है, कभी सुखी रहता है, कभी दुखी रहता है। अब बोले चारों की चारों दशाएं किस पर आधारित हैं? हमारा जन्मना, हमारा मरना, हमारा सुखी होना और हमारा दुखी होना किस पर आधारित है? कर्म के उदय पर। कौन से कर्म के उदय पर? पड़ोसी के कर्म के उदय पर नहीं, स्वकीय कर्मोदयान, अपने खुद के कर्म के उदय पर। और ये व्यवस्था इतनी सर्वोत्तम है, इतनी सर्वोत्तम है, इसी व्यवस्था के आधार पर हमने ये प्रूव किया है कि जैन दर्शन की व्यवस्था भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था है, जैन दर्शन की व्यवस्था करप्शन लेस व्यवस्था है, जैन दर्शन की व्यवस्था में कंप्लेंट विभाग नहीं है। जैन दर्शन की जो वस्तु व्यवस्था है उसमें कंप्लेंट विभाग नहीं है, मतलब जैन दर्शन का यदि अनुयायी होगा तो भगवान के सामने वो रोना गाना नहीं गा सकता है, मतलब ये प्रश्न नहीं पूछ सकता है भगवान से, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये प्रश्न नहीं पूछ सकता है वो। क्यों नहीं पूछ सकता है? क्योंकि ये प्रश्न तो तब पूछ सकते होते जब कोई व्यक्ति व्यवस्था होती, जब कोई इस व्यक्ति इसको संचालित कर रहा होता। ये वस्तु व्यवस्था है, यहां व्यक्तिवाद की मुख्यता है ही नहीं, सर्वत्र सर्वत्र। अरे अधिक क्या कहें, हम तो अपने तीर्थंकरों को भी व्यक्तिपने से कहां पहचानते हैं, व्यक्तिपने से कहां पहचानते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे भगवान महावीर को हम और आप सब जानते हैं, शासन नायक हैं, लेकिन कौन से भगवान महावीर को जानते हैं पता है? जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते सब जग जान लिया, उन महावीर भगवान को जानते हैं। उस सिद्धार्थ के पुत्र की फोटो कैसी थी वो हमको पता ही नहीं है, सिद्धार्थ के पुत्र जो महावीर हैं उनकी शक्ल कैसी थी, ओरिजिनल फेस में आ जाए तो हो सकता है हम ना पहचान पाए, क्योंकि हमने कभी देखा हो तो पहचाने उनकी मुद्रा कैसी थी। हम तो उनको पहचानते हैं जो परम औदारिक शरीर में पहुंच गए थे, जिन्होंने घातिया कर्मों का नाश कर दिया था, उनको पहचानते हैं हम उनको कहाँ जानते हैं व्यक्तिपने से। अकेले महावीर की समस्या नहीं, हम पार्श्वनाथ को, आदिनाथ को, अजितनाथ को, बोलो किस किस को पहचानते हैं, किससे? 24 तीर्थंकर लाइन से रख दे, मैं लाइन से और चिन्ह पर मैं हाथ रख लूं, और भले ही तुम शास्त्री हो, आचार्य हो, सब पढ़े लिखे हो, और चैलेंज दूं सकल देख के नाम बताओ, बोलो बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? प्रश्न समझ में आया? 24 तीर्थंकर लाइन से रख दे और उनके चिन्ह पे हाथ रख ले और आपको एक चैलेंज दिया जाता है, और जितना टाइम चाहिए उतना टाइम ले लो, कोई जल्दी नहीं, अभी से देखे जा रहा हूं, साल भर बाद फिर आऊंगा तो बता देना, बोलो संभव है? सकल से पहचान सकते हो अपने भगवान को? सकल से माने सकल से इतना तो पहचान सकते हैं ये भगवान मेरे हैं, सकल देखते ही कह देंगे कि ये भगवान मेरे हैं, जय परम शांत मुद्रा समेत, सकल देखी के फट से अंदर से आवाज आएगी, ये तो अपने हैं, ये तो अपने हैं। लेकिन हम पूछेंगे ये कौन से हैं ये बताओ, ये महावीर हैं कि आदिनाथ हैं, ये बताना शक्य है कि नहीं है? क्यों शक्य नहीं है? व्यवस्था है ही नहीं हमारे यहाँ व्यक्तिपने से, हम पहचानते ही नहीं, हम आदिनाथ को नहीं पहचानते, हम अजितनाथ को नहीं पहचानते, हम संभव ना एक व्यक्ति को नहीं पहचानते, हम चित्रों को भी पहचानते हैं, गुणों को पहचानते हैं, जिन जिन ने भी ये गुण प्रकट कर लिए हैं वे सब मेरे भगवान हैं। कभी कभी तो मैं सरलता से बात करता हूँ तो लोगों को ये थर्मामीटर है, समझ लो हिंदुस्तान में जितने भी मंदिर हैं और जितने भी मंदिरों में जितने भी भगवान हैं उनकी सिंगल क्वालिटी है, जब तक शकल मिलती रहे मेरे भगवान हैं, और जैसी थोड़ी बहुत शकल चेंज हो जाए आप समझ जाना ये मेरे भगवान नहीं हो सकते। जिसने राग द्वेष काम आदिक समस्त ग्रहित मिथ्यात्व की एक लाइन में, जहां शकल बदली और जहां अकल बदली, सारे तीर्थंकरों की शकल एक जैसी, अनंतानंत भगवंतों की शकल एक जैसी और सबकी अकल, अकल माने सर्वज्ञता, अवितरागता एक जैसी और सर्वज्ञता एक जैसी। यही कारण है
कि यहाँ इस पूरी वस्तु व्यवस्था को कोई व्यक्ति संचालित नहीं करता है, और जहाँ कोई व्यक्ति संचालित नहीं करता वहाँ फरियाद नहीं होती है। विदेशों में बोले पेनल्टी का सिस्टम क्या है कि आप गाड़ी स्पीड से चला रहे हैं तो आपकी फ़ोटो खींच जाएगी, और फ़ोटो खींच के घर पे आपके वो आ जाएगा टिकट कि भाई साहब आपको इतनी पेनल्टी भरनी है। अब जैसे ही आप टिकट देखोगे तो चिंता तो होती है, अब बताओ अब क्या करोगे, कैमरे के सामने हाथ जोड़ के खड़े होगे, यार डिलीट कर देना यार। कैमरे के सामने अनुनय विनय कोई करेगा या नहीं करेगा, और कैमरे की जगह कोई व्यक्ति खड़ा होता वहां और वो आपको रोकता, लाओ भैया 500 रुपया दो, फिर आप सारे हथकंडे अपना लेते, रो लेते, गा लेते, गिड़गिड़ा लेते, पैर छू लेते, 100 रुपया दिखा दे, मतलब कुछ ना कुछ जुगाड़ ऐसी करते, घर आके कहते आज मैं बच गया, मतलब उल्लू बना दिया। लेकिन जब वहां कोई व्यक्ति नहीं है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, अब बोलो आप करप्शन के कोई चांस हैं कि नहीं। जैन दर्शन में व्यवस्था को संचालित करने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम है, जैसा भाव किया जैसा परिणाम किया वैसा बंद हुआ और वैसा का वैसा उदय आया। इसलिए जिन जिन को भी रोने धोने का भाव आता हो, कंप्लेंट करने का भाव आता हो, माथा कूटने का भाव आता हो, जैन दर्शन को गहराई से समझो। यहाँ कोई ऐसा नहीं है ऊपर बैठा हो ऊपर के ऊपर रिमोट लेके कि अब इस ये बच्चा मनुष्य बहुत दिन बन गया, अब एक बटन दबाया चलो अब इसको कुत्ता बना दो, फिर दूसरा बटन दबाया अब इसको बिल्ली बना दो, अब इसको छिपकली बना दो, अब इसको मगरमच्छ बना दो। ऐसा कोई ऊपर रिमोट लेके नहीं बैठा है कि अब इसको विद्यार्थी बना दो, अब इससे पाप करा दो, अब इससे पुण्य करा दो, अब इसको मुनि बना दो, अब इसको विद्वान बना दो, कोई रिमोट चला रहा है ऊपर से? तो क्या हो रहा है ये सब? अब इसमें अच्छा और बुरा ये हमारे चित्त की खोट है, और जब तक हम व्यवस्था दूसरों के संदर्भ में समझते हैं तब तक हमको कोई समस्या नहीं होती। ये सर्वोत्तम व्यवस्था है, हम और आप सब मिलके कहेंगे। जो व्यक्ति अपराध करे और उस व्यक्ति को अपराध का फल मिले, ये व्यवस्था अच्छी है सही है, या अपराध करे और अपराध का फल नहीं मिले ये व्यवस्था अच्छी है? कौन सी व्यवस्था ज्यादा अच्छी है? आपकी बात नहीं कर रहे हैं, दूसरे की बात कर रहे हैं। सही है या गलत है? सही है या गलत है माने, और इसको सरल करके समझो, मैं पूछता हूं रावण कहां है अभी? नरक में। सही है कि गलत है? सही है माने हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप अनुमोदना करो कि बढ़िया है मार पड़ रही है उसको, ऐसा नहीं। सही गलत का मतलब उसके साथ न्याय हुआ है या उसके साथ अन्याय हुआ है, इस दृष्टि से आप जज की दृष्टि से विचार करो। आप न्यायाधीश हैं और फिर आप सोचो वो रावण ने जो निकृष्ट परिणाम किए थे उससे जो नरक गति का बंद हुआ था और आज वो नरक गति में है, तो बोलो उसके साथ अन्याय हुआ है कि अन्याय हुआ है? न्याय है कि अन्याय है? कोई चोर यहां से चोरी करके निकले, अपन जब बाहर निकले तो एक आदमी को चार आदमी मिलके पीट रहे थे, खूब ठुकाई कर रहे थे, तो अपन थोड़े भद्र परिणाम ही दया आ गई, बेचारे एक आदमी को चार पांच लोग मार रहे हैं तो बचाने का भाव आया। और जैसे ही हमने पास में जाके उससे पूछा कि भैया क्यों मार रहे हो क्यों मार रहे हो, तो सब चार लोगों ने मिलके बताया, बोले अभी चोरी करके भागा है, डांका डाल के भागा है, हत्या करके भागा है, बलात्कार करके भागा है। ऐसा कोई भी अपने सुना तो बोलो उसके बाद परिणाम कैसा आएगा? दो ही, या तो कोई निकृष्ट होगा तो खुद ठोकने लग जाएगा, ये बहुत बढ़िया दो और लगाओ, और नहीं भी होगा तो ये तो कह ही देगा ठीक है तुम ठोको ठोको, अपन नहीं भी ठोकेंगे तो अन्याय नहीं लगेगा। क्यों? जैसा कृत्य उसने किया है उसके एवज में उसको ये फल मिल रहा है, तो उसके साथ न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? नहीं समझ में आया? सरल व्याकरण है ना पूरा का पूरा, कोई धातु नहीं, कोई अलंकार नहीं, कोई विभक्ति नहीं, जिसने जैसा भाव किया उसको ऐसा फल मिला। अब अपन पूरी लिस्ट उठा के देख ले, मैं पूरी लिस्ट, और हम अपने मुखारविंद से सिर्फ एक ही निर्णय करते जाएं, यार इस जीव के साथ जो हुआ है वो अन्याय हुआ है या न्याय हुआ है, तो पूरा विश्व खंगाल मारेंगे, एक प्राणी ऐसा नहीं मिलेगा जिसके साथ अन्याय हो रहा हो। बोलो मंदोदरी स्वर्ग में गई, बोलो न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? फर्स्ट क्लास न्याय हुआ, इतने भद्र परिणामी जीव थी, अब वही स्वर्ग में नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? न्याय के अन्याय? सीता जी जंगल में गई, बोलो घर से निकाल दिया, न्याय के अन्याय? उतना सा पार्ट देखोगे ना पिक्चर का, कितना सा कि घर से निकाल रहे हैं तो चित्त विचलित होगा, लेकिन थोड़ा सा पास्ट में जाके देखोगे इसने कुछ ना कुछ ऐसी हरकत की है भूतकाल में जिसके उदय से इसको घर से निकाला जाता है। जब पूरी पिक्चर ख्याल में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कल एक लड़का यहां से बाहर निकला, छोटा ही सा था,
एक तमाचा मार के भागा, तो मैंने उसको पकड़ लिया, भाई ऐसा क्यों करता है, सरासर अन्याय है। वो सामने वाला चुपचाप खड़ा है, तूने एक मार दिया है। तो उसने जवाब दिया, कल ये मार के भाग गया था। अब क्या, अब मैं कहां जाऊं उसकी शिकायत लेके, बराबर हो गया ना, हो गया न्याय। ये न्याय विश्व स्तर पर लागू पड़ता है। अब मैं तो सिर्फ आपको एक वाक्य बोलूंगा और आपको ये सुनाना है, कहना है, घोषणा करनी है हृदय से कि सच में ये न्याय है कि अन्याय है। बोलो भैया, गज कुमार मुंडराज के सर पे सिगड़ी रखी गई, न्याय के अन्याय। आधी पिक्चर देख के मत बोलना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत बढ़िया हुआ, बात बढ़िया और घटिया की नहीं है, वो तो बहुत बेकार काम है जो हुआ, लेकिन उनके साथ जो हुआ उसको न्याय के खाते में डालेंगे या अज्ञान के, अन्याय के खाते में डालेंगे। सनत कुमार चक्रवर्ती को 700-700 वर्ष तक कोड़ रहा, बोलो न्याय के अन्याय। न्याय माने सही बराबर, आप उठा लो लिस्ट जितनी भी है। अंजना को घर से निकाल दिया, बोलो ससुराल वालों से अन्याय हुआ। मायके गई, मायके वालों से भी निकाल दिया, बोला अन्याय हुआ कि नहीं हुआ, ना वहां अन्याय हुआ ना यहां अन्याय हुआ, सर्वत्र न्याय 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 वर्तता है कि नहीं वर्तता है, पक्की बात। एक नहीं ऐसे हजारों, 5 पांडव को लोहे के आभूषण पहनाए गए, बोलो न्याय के अन्याय। हाँ बोलो तो पक्का कन्फर्म लॉक कर दें। दंडक नामा मुनि के शरीर को छेद दिया बैरी ने, पूरे शरीर को, पुत्र चलाती को घानी में पेल दिए, 700-700 मुंडराज पर उपसर्ग हुआ, बोलो न्याय के अन्याय। तो तुम्हारा थोड़ा बहुत तिरस्कार हो जाता है कभी कभार, तो वो न्याय के खाते में जाएगा कि अन्याय के खाते में जाएगा। यहां 700 साल तक कोड़ हो जाए ना, तो आप सब मिलके कह रहे हो न्याय हुआ, और तुमको 10-20 साल के लिए कैंसर हो जाए, अन्याय अन्याय मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वाह। ये दोहरा मापदंड जो है ना, डबल स्टैंडर्ड। सनत कुमार चक्रवर्ती को 700 साल तक कोड़ हुआ तो न्याय हुआ साहब, कर्म का उदय है, जैसा बांधा है वैसा आया है, और वही रिपोर्ट तुम्हारी आ गई। अब पूरा आप सब न्याय फ्याय एक तरफ, बोलो पूरे समाज के सामने सेठ सुदर्शन जी का तिरस्कार हुआ, लांछन लगा उनके ऊपर, जो कृत्य उन्होंने नहीं किया था उसका आरोप उनके ऊपर लगा, बोलो न्याय के अन्याय। तुम्हारे किसी गुण को कोई दुर्गुण कह देवे तो ये अन्याय कैसे हो सकता है। समाज तमाशा देख रही है, सुदर्शन जी सूली पर चढ़ने जा रहे हैं। जो लोग बहुत विश्वस्त थे, अगर मनोविज्ञान तरीके से याद करो तो वे भी कह रहे थे, आपस में बात कर रहे हैं, सेठ सुदर्शन जी को अपने ऐसा नहीं समझते थे। सच कह रहा हूं, अगर उस स्थिति में जाके आप सोचोगे ना तो लोग क्या कानाफूसी करेंगे, यार अपन को अंदाजा नहीं था। अब क्या कह सकते हैं, बड़ी माया है सब संसार की, अच्छे अच्छे भ्रष्ट हो जाते हैं, ये जनता की भाषा है। अब राजा ने जब फैसला सुनाया है और प्रत्यक्ष देख के सुनाया है, रंगे हाथ वो पकड़े गए हैं, बोलो कितना बड़ा तिरस्कार है इस, समझो सम्यक दृष्टि जीव का, ज्ञानी जीव का, श्रावक का, पत्नी के सामने, बच्चों के सामने, समाज के सामने, देश के सामने, ये देखो इसने कितना गंदा काम किया है। और रोज शमशान घाट पर सामायिक करते थे भाई साहब, हर अष्टमी चतुर्दशी को शमशान घाट पर बैठते थे, लोग क्या कह रहे थे, अरे सब ऐसे ही बैठते थे साहब, अंदर कुछ बाहर कुछ। इतना तिरस्कार होने पर भी बोलो ये न्याय के अन्याय। अब पूरा प्रथमान योग न्याय से भरा पड़ा है, और वैसी की वैसी घटना या उससे 19-20 घटना अपने जीवन में हो और हमको ये बात याद आ जाए, न्याय है साहब, तो तुम रे जी ये कौन दुख है। कहाँ है कहाँ है कहाँ है, क्या प्रॉब्लम है तुमको, उसने मेरे को गाली दे दी, अरे कुछ दम नहीं है इसमें, गाली फाली दी, इसको कोई पाप का होदय बोलते हैं क्या, किसी ने तिरस्कार कर दिया, धन कम हो गया, व्यापार नष्ट हो गया, घर में आग लग गई, परिवार बिखर गया, इसमें कोई दम नहीं है भाई साहब। जब तक आप कोमा में नहीं जाते हैं तब तक तो पाप का उदय समझना ही नहीं, क्यों, उस क्षण तक तत्व विचार की सामर्थ्य आप में जिंदा है, तो तुम रे क्या प्रॉब्लम है बोलो। एक कंप्लेंट शिकायत लिखने वाले अल्प अभ्यासी जीव होते हैं, काय की शिकायत, कैसी शिकायत, यहां तो लिख रहे हैं ना, सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम।
बोलो भैया, सुकमाल मुनराज के ऊपर उपसर्ग हुआ, न्याय अन्याय? हमको क्या लग रहा है उस सुकमाल जी क्या सोच, मैंने क्या बिगाड़ा? सबसे उत्तम क्षमा करके जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके जंगल में आके मैं अपना सामायिक कर रहा हूँ, सट आवश्यकों का पालन कर रहा हूँ, 28 मूल गुणों का पालन कर रहा हूँ, वो सियालनी उधर से आती है और खाने लग जाती है, बोलो न्याय अन्याय? आप सामायिक करने बैठे, उदय आ गया, आया हुआ कर्म के उदय को यदि आप ये कह सकें, ये ABCD चल रही है जैन दर्शन की, फिर आप शुद्ध आत्मा का प्रचुर स्व संवेदन करना, यदि यही आत्मा अटकी रही तो वो प्रचुर स्व संवेदन हो नहीं पाएगा, वो आत्मा का स्वाद लेते लेते ऐसा लगेगा यार शरीर अब नष्ट हो रहा है, शरीर को देख अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, जिनसे 100% भिन्नता है, जिनसे सर्वथा अत्यंता भाव है, उनको मिक्स करके चिंतन करेंगे तो कितने काल तक हम दुखी रहेंगे, और दुखी होने का सबसे शॉर्टकट यही है, इससे शॉर्टकट कुछ और नहीं हो सकता है, कौन सा जिसका निषेध कर रहे हैं नीचे की पंक्तियों में, अज्ञान में तद इह यत्तु परह परस्य कुर्यात् पुमान मरण जीवित दुख सौख्यम। ये बड़ा भारी अज्ञान है, जो लोग ये कहते हैं, जो लोग ये मानते हैं, इसने इसको मार डाला, इसने इसको बचा लिया, इसने इसको सुखी कर दिया, इसने इसको दुखी कर दिया, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। और अगले कलश में कहा है जो ऐसे अज्ञान से भरा हुआ है वो हत्यारा है, आत्महनो भवन्ति, ऐसा शब्द है उसमें 169 नंबर का जो कलश ना, इसके जस्ट बाद बारा सबसे अंतिम पंक्ति देखो, मिथ्यादृशो नियतम आत्महनो भवन्ति। जो ऐसा मानता है कि कोई किसी को बचा सकता है, कोई किसी को मार सकता है, कोई किसी को सुखी कर सकता है, कोई किसी को दुखी कर सकता है, वो मिथ्या दृष्टि आत्मघाती है। सबसे बड़ा पाप का है आत्महत्या को, सबसे बड़ा, इससे बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं है। आत्महत्या का त्याग सबसे पहले होता है, पानी छानने का त्याग बाद में, नियम मालूम है कि नहीं मालूम है? शास्त्रों में ही लिखा है, लेकिन हम क्या करें, हम तो जब ग्रहण करते हैं ना, त्याग भी करते हैं तो अपनी सुविधा से करते हैं, क्रम से कहाँ करते हैं। शास्त्रों में लिखा था श्रावकों के पास अणुव्रत होने चाहिए, अणुव्रत माने थोड़े व्रत होने चाहिए, एक देश होना चाहिए, तो 5 थे, तो हमने 5 में से क्या किया, हिंसा छोड़ दो बुरी चीज है, झूठ छोड़ दो, चोरी आदि अधूरी, कुशील तो पाप जैसा ही नहीं लगता लोगों को, ये तो लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व हो गया। परिग्रह कहाँ का पाइप है, परिग्रह तो जितना बड़े उतना ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, हो गए अनुव्रति, 2 पाप पाप से लग रहे हैं, 1 पाप आधा अधूरा पाप लग रहा है, और लास्ट के 2 पाप तो पाप ही नहीं लग रहे हैं। जिनके जीवन में कुशील और परिग्रह नहीं है वे तो मनुष्य जैसे ना लगे, हो गए अनुव्रत। सच कहो, पैर के नीचे चींटी आ जाए तो जितनी ग्लानि का भाव आता है, मरे या बचे उसका उदय है, ऐसा लगता है नहीं, अच्छा नहीं हुआ, नहीं आना चाहिए पैर, हिंसा नहीं होना चाहिए, हिंसा पाप सरीखा लगता है, उस स्तर का झूठ पाप सरीखा नहीं लगता है। सवेरे संजय चाहे किसी को बनाते रहते हैं और खुश होते हैं बाद में, अब वो भटक रहा होगा वहां। चोरी उस स्तर का पाप नहीं लगता है, कदाचित हिंसा झूठ और चोरी ये 3 पाप सरीखे लगे भी तो आत्मावलोकन करना कुशील पाप सरीखा लगता है कि नहीं लगता है। परिग्रह काय का पाप, पहले 1 दुकान थी अब 2 हो गई, पहले 1 घर था अब 1-2 हो गया, और इसका दुर्भाग्य है इस पाप का कि मैं यदि हिंसा करूं थोड़ी सी ज्यादा तो मैं खुद भी अपने आप को रोकने का प्रयास करता हूं, और अड़ोसी पड़ोसी भी सहयोग करते हैं, भैया इतनी हिंसा मत किया करो यार, लोग रोकते हैं, लेकिन मैं परिग्रह बढ़ाता जाऊं, बोलो कौन रोके सिवाय आचार्यों के, आपसी लोग तो ये कहते हैं बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया तरक्की तुम ही कर रहे हो, सारा ज्ञान बेच के परिग्रह इकट्ठा कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है ओहो कितना बढ़िया, बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्रम भंग हुआ कि नहीं हुआ। अणुव्रत तो उसका नाम है, थोड़ी हिंसा, थोड़ा झूठ, थोड़ी चोरी, थोड़ा कुशील, थोड़ा सब में परिमाण करे। अब हिंसा में भी जैसे बात करेंगे तो उसमें भी बोले क्या छोड़ा क्या नहीं छोड़ा, उसका क्या क्रम है, उसका क्रम यह है भाई साहब, पाप की बात कर लूं, आपको याद आ गया तो आपको बता देता हूं, प्रसंग तो दूसरा है। एक इंद्रिय जीव को मारने पीटने सताने दुखी करने से जितना पाप लगता है, उससे ज्यादा पाप
दो इंद्रिय जीव को मारने पीटने सताने से लगता है। आप प्रमाण मांगोगे ना ग्रंथ का, हम उपलब्ध करा देंगे आपको। पहले युक्ति समझ लो, दो इंद्रिय जीव को मारने पीटने सताने से ज्यादा तीन इंद्रिय जीव में लगता है, तीन इंद्रिय जीव को मारने पीटने सताने से ज्यादा पाप चार इंद्रिय जीव में लगता है, और चार इंद्रिय जीव से ज्यादा पाप असंगी पंचेंद्रीय में, असंगी पंचेंद्रीय से ज्यादा पाप संगी पंचेंद्रीय को, और संगी पंचेंद्रियों में भी नारकी देव तो कॉन्टेक्ट में ही नहीं है अपने, त्रेंच और मनुष्य हैं, तो त्रेंचों से ज्यादा पाप मनुष्यों को मारने में लगता है। और मनुष्यों में भी विदेशियों को मारोगे कम पाप लगेगा, स्वदेशी को मारोगे ज्यादा पाप लगेगा। अरे भाई साहब ये मंत्र दे रहा हूं, आप लिख लेना अपने दिमाग में। स्वदेशियों में भी गैर जात के लोगों से झगड़ा करोगे मारोगे पीटोगे कम पाप लगेगा, स्वजातीय लोगों को झगड़ा करोगे ज्यादा पाप लगेगा। और ये प्रयोग देखा है हमने ऐसा, स्वजात में भी समाज की सेवा करोगे या समाज के लोगों को दुखी करोगे कम लगेगा, परिवार के लोगों को ताड़ना दोगे ज्यादा पाप लगेगा। यानी बहुत ऐसे लोग हो ना परिवार में तो त्राई त्राई मची हो, समाज से भी सबसे उत्कृष्ट, बोले क्रम भंग करके धर्म नहीं होता है जैन दर्शन में। परिवार में भी चाचा ताऊ को परेशान करोगे कम पाप लगेगा, सगे माँ बाप को परेशान करोगे ज्यादा पाप लगेगा। और ज्यो ज्यो निकट आते जाओगे, ज्यो ज्यो निकट आते जाओगे व्यवहारिक दृष्टि से भी अणुवत की दृष्टि से भी, कि दूसरों को जितना परेशान करोगे उससे उतना पाप नहीं लगेगा, जिस क्षण आपको आत्मघात का परिणाम आएगा उस दिन सबसे ज्यादा पाप लगेगा। कारण क्या है कि जैसे जैसे नजदीक आते हैं वैसे वैसे राग और आसक्ति तीव्र होती जाती है, और जहां जहां हमारी राग की तीव्रता है उसके घात का परिणाम आ रहा है, माने कितना तीव्र कसाई है। अपने पुत्र को मारने का परिणाम आएगा बोलो कितना तीव्र कसाई होगा, तब जाके वो हिम्मत होगी, कितना कलेजा चाहिए उसके लिए। ये जहर खाने वालों का कलेजा बहुत बड़ा होता है मूर्खता में, मानी समझ लो बहुत बड़ा होता है, तो अपन भी कलेजा बड़ा कर ले। अब ये जो क्रम है, अब इस क्रम में आप अवलोकन करना, हमारा जो त्याग है अगर अहिंसा भी पालनी हो, अहिंसा का भी हिंसा का भी त्याग करना हो, तो उसकी शुरुआत यहाँ होगी। सबसे पहली प्रतिज्ञा आपको लेनी पड़ेगी, किसी भी परिस्थिति में मैं आत्महत्या नहीं करूँगा। और जब आपकी आत्महत्या वाली प्रतिज्ञा सफल होने लग जाए, फिर आपको दूसरी प्रतिज्ञा आएगी कि मैं परिवार की हत्या नहीं करूंगा, हत्या नहीं करूंगा, परिवार को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। और जब आप उसमें सफल हो जाएं, फिर आप प्रतिज्ञा करना समाज को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। फिर उसमें सफल हो जाएं, फिर आपको है ना महाव्रत लेना, फिर द्रव हिंसा और भाव हिंसा सब छोड़ देना, एक इंद्रिय जीव को भी परेशान नहीं करूंगा। लेकिन उल्टा नहीं होता है कि एक इंद्रिय जीव जो नहीं दिख रहे हैं पानी के उन्हें तो छानो, और संगी पंचेंद्रिय कोई साधर्मी मिल जाओ उसको देख के घूरो कहां से आ गए पापी जीव, तुमने एक इंद्रिय जीव की तो जान बचाई, कौन से जीव की जो नहीं दिख रहे थे और जो साक्षात मूर्ति है उसका तिरस्कार करे, ये क्रम भंग करके व्यवहारिक आचरण नहीं होता है। रात्रि भोजन तो छोड़ दिया, एक इंद्रिय जीव के पानी तो छान लिया, और मच्छर बहुत थे तो ऑल आउट लगा देवे, तो उसमें दो इंद्रिय तीन इंद्रिय सब गायब हो जाए, ये क्रम भंग नहीं चलता है। तुम पहले दो इंद्रियों की रक्षा कर लेते फिर पानी छान लेते, किसने कही थी तुमसे पानी छानने की? मैं ये नहीं कह रहा हूं पानी छानना बंद कर देना, क्रम है इसमें नहीं, सर्वत्र ऐसा क्रम लागू पड़ता है। इसलिए तो पहले संकल्पी का त्याग कराया, बाद में दूसरी का त्याग कराया। अपन वापस आ जाओ, कहां इस विश्व में कहीं भी अन्याय नहीं हो रहा है। क्या करें, मेरे पिताजी ने मुझे अगर अच्छी पढ़ाई कराई होती तो आज मैं लाखों करोड़ों कमा रहा होता, ऐसे मूर्खता का चिंतन मूर्ख लोग ही करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो हुआ है वो अन्याय की कैटेगरी में है ही नहीं। अन्याय की कैटेगरी में हो तो फिर हम आगे डिस्कशन करें। इसलिए आज जो हो, जहां हो, जैसे हो, होशियार हो, मूर्ख हो, चतुर हो, सुंदर हो, कुरूप हो, देखो आधे से ज्यादा जो रिपोर्टिंग है ना इन शब्दों की, वो आपकी खुद की नहीं है, दूसरों की है। और दूसरों पर भरोसा कम करो संसार में। आप बोलो मूर्ख हैं कि चतुर हैं, ये निर्णय आपका है कि दूसरों का है? जब मैं स्मारक में नहीं आया था ना, मुझे पता भी नहीं था मैं मूर्ख हूं कि चतुर हूं। वो दो तीन गोष्ठियों में बोलने के बाद अलग अलग जीवों ने अलग अलग निर्णय किया, यार अपन को बोलना नहीं आता है, अपन मूर्ख हैं, ये होशियार हैं। और ये निर्णय किसका था? दूसरों का। मैं सुंदर हूं या कुरूप हूं, बोले ये निर्णय किसका है? जब तक चार लोग कहें, वो जो कह जाए वैसा भ्रम बरतता है। अपना निर्णय कहाँ है? हम विद्वान हैं या मूर्ख हैं, एक एक आत्मावलोकन करना, ये खुद का निर्णय है कि हम विद्वान हैं कि मूर्ख हैं? चार लोग कहें यार भाई साहब आपके प्रवचन में मजा आ गया,
मजा आ गया, जब 10-20 बार सुन लेता है तो एक नया भ्रम पैदा हो जाता है, मैं विद्वान हूं। उससे पहले तो हमको फील ही नहीं हो रहा था हम विद्वान हैं। हमको अपने श्रुत ज्ञान के आश्रय से लगे, हमको अपने सत्य निर्णय के आश्रय से लगे कि हम विद्वान हैं, तो आए मजा, दूसरों के कहने से नहीं, दूसरों के सुनने से नहीं। इसलिए घूम फिर के यहां वापस आओ कि इस विश्व में अन्याय नाम की चीज ही नहीं है, तो आपकी लाइफ कंप्लेन लेस तो हो गई। और जिनकी लाइफ कंप्लेन लेस हो गई उनको हाइपरटेंशन, उनको डायबिटीज सूटअप आदि बीमारियां आपकी वैसी चली गई। अब आ जाओ मैदान में, अब अपन आत्मा का ध्यान करते हैं, अब अपन शुद्धात्मा की आराधना करते हैं। क्योंकि जो जगत के दुख थे, जो जगत की प्रॉब्लम थी, उस पर तो हमने ऐसे चौकड़ी मार दी, वो तो हमारी प्रॉब्लम है ही नहीं। क्यों नहीं है प्रॉब्लम? क्योंकि हम उसमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं, हम उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं, हम अपने उदय को अब माथा नहीं मारना चाहिए उसमें। अरे हमारी बात छोड़ो, सच कहता हूँ, जो रहस्य समय सार में है ना, वो रहस्य हमारे एक जमाने से हम और आप गाते आए हैं, बोलते आए हैं। मुझे वो पंक्ति बहुत प्रिय लगती है, एक भजन है जैनियों का, दिगंबर श्वेतांबरों में सब में प्रसिद्ध है, सब में ऐसा भजन है। भाई साहब आपके गांव के बैंड वाले को भी याद होगा, कौन सा कौन सा? तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संग। उस पंक्ति में आपने चौराहे पे खड़े होकर अजैनों के सामने ये घोषणा की थी, जग के दुख की तो परवाह नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मुझे कर्म सिद्धांत पे भरोसा है, कंप्लेन लेस। ये घोषणा आपने की थी कि नहीं की थी? अब आप मुकर जाओ ये अलग बात है। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी ने ये चिक चिक के चिल्ला चिल्ला के भजन गाया है रोड पे, जग के दुख की तो परवाह नहीं है। तो अच्छा, स्वर्ग सुख की चाह होगी? स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। इतने सामान्य से भजन में पुण्य और पाप दोनों को एक साथ हे कहा है, इतने जनरल भजन में। अब आप सोचो समय सार का रहस्य कितना उत्कृष्ट होगा। ये सामान्य चिल्लर बातें हमने वहीं खत्म कर दी थी। कौन सी? यार तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ भाई साहब, को उसका सिलेक्शन करना चाहिए था और तुम्हारा सिलेक्शन करना चाहिए था, उसका कर लिया, तुम्हारे साथ गलत हुआ। उसको धीरे से कह देना भाई साहब अन्याय होता नहीं है यहाँ। 15 लोगों को गोष्ठी में बुलवाया, 3 आदमी का सिलेक्शन करना था, बोले साहब मेरे साथ अन्याय हो गया। होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। गांठ बांध लो, जिस दिन आपने ये गांठ बांध ली, अन्याय नाम की चीज इस विश्व में है नहीं। बोलो, एक सास थी, उसने अपनी बहू को मटके में रख के हार दिया था, मालूम है आपको? हाँ, क्या बात है, एजुकेटेड लोग हैं, आपको पता है। अब बोलो अन्याय के न्याय। सच में प्रथमान योग पढ़ते जाओ और एक एक कहानी, एक एक कथा, एक एक पुराण इस बात की पुष्टि करता जा रहा है क्या गजब का न्याय हुआ। सच में न्याय हुआ, उसने हाथ डाला और हार निकला। बोलो ये अन्याय के न्याय। वो सख्ते में आ गई सास, ये क्या हो गया, ये न्याय हो गया। इस जीव ने इतने भद्र परिणाम किए थे कि सर्प उसको काटेगा ही नहीं, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सुदर्शन जी सूली पे चढ़ गए, स्टोरी आगे बढ़ गई ना, सिंहासन बन गया। बोलो न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? असली न्याय तो अब हुआ पहले जो हो रहा था वो भी न्याय, और अब जो हो रहा है वो भी न्याय। बोलो अपनी लाइफ में अन्याय नाम की चीज क्या है? मेरे भाई ने पूरी जमीन दबा ली और मुझे कुछ नहीं दिया। बोलो न्याय के अन्याय, न्याय के अन्याय, बोल तो दो यार, डर क्यों रहे, तुम्हारी थोड़ी दबा रहे हैं। निश्चिंत और निराकुलता का नाम मोक्ष मार्ग है। आकुलता और टेंशन बढ़ने लग जाए तो चेक कर लेना, आप जैन दर्शन ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं। चलते फिरते दुखी होना हो तो आप किसी भी चीज में एकत्व मत स्थापित कर लो, आप चलते फिरते दुखी हो जाएंगे। चलते फिरते अंतिम दृष्टांत दे के बात करता हूं, आपको दुखी होना हो ना, सबसे सरल शॉर्टकट बता रहा हूं दुखी होने का। किसी भी चीज में ऐसा करना है, ये मेरी है भाई, इतना बोल देना, आप दुखी होना शुरू हो जाओगे। सिर्फ एक सेंटेंस आपको विश्व के समस्त विकार कराएगा, सिर्फ एक सेंटेंस।
यहाँ बाजू में एक बिल्डिंग खड़ी है ना, बाजू में एक बिल्डिंग खड़ी है, आप में से किसी की रजिस्ट्री उसके नाम करा देते हैं, बिल्डिंग का रजिस्ट्री आपके नाम करा देते हैं। जैसे ही आपके अंदर में निर्णय हुआ ना, ये बिल्डिंग मेरी है, बोलो दुखी होना स्टार्ट हो गए कि नहीं हो गए? अब उसके निमित्त से क्रोध भी होगा, अब उसके निमित्त से मान भी होगा, अब उसके निमित्त से मायाचारी भी होगी, अब उसके निमित्त से लोभ भी होगा। ऐसी कौन सी कषाय है जो परद्रव्य से एकत्व होने पर ना हो? बोलो क्रोध होगा कि नहीं होगा? कल तक लोग उस घर के सामने कचरा फेंकते थे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, कचरा भी वही है, बिल्डिंग भी वही है, लेकिन अब मुझे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो फर्क किस चीज का पड़ रहा है? ये मेरी है। कल तक लोग तारीफ कर रहे थे, कुछ फर्क नहीं पड़ता था, अब फर्क पड़ रहा है। ये किस चीज का फर्क पड़ रहा है? बोलो ये दुखी हो गए कि नहीं हो गए? किस बात से? आपने सिर्फ इतनी घोषणा की ये मेरा है, ये देखो ये है ना, मैं इसको यहां से फेंकता हूं, तो दुख होगा कि नहीं होगा? काय को होगा? बोले तुमको होगा। एक बार नहीं दो बार फेंक के बताओ। अब मैं आपका फेंकता हूं तो दुख का जन्म कहां हुआ? पर द्रव्य मेरा है। अब इस पर बहुत विस्तार से सोचोगे तो इतना इसके लिए होमवर्क इतना है कि जैसे ही आप ये निर्णय करते हो पर वस्तु मेरी है, जितने भी प्रकार के विकार हैं वे सर्व प्रकार उस पर घटित होते हैं, सर्व प्रकार घटित होते हैं। जैसे ही मैंने कहा ना ये मेरा है, अब इसके निमित्त से क्रोध भी आएगा, अब इसके निमित्त से मान भी होगा, अब इसके निमित्त से मायाचारी भी होगी, अब इसके निमित्त से लोभ भी होगा, इसके निमित्त से हास्य भी होगा, रति भी होगी, अरति भी होगी, शोक भी होगा, भय भी होगा, सब कषाएं होंगी सिर्फ इससे कि ये मेरा है। इसमें मोक्ष मार्ग खुल गया। अगर मुझे सर्व कषाएं नहीं करनी हो तो एक छोटा सा निर्णय अंदर से ले लूं, ये मेरा नहीं है। इतनी बात, अनंत निराकुलता इस वाक्य में। यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है। जो बिल्डिंग गिरती हुई दिखाई दे, बोले मेरी है ही नहीं है। जो शरीर जर्जर होता हुआ दिखाई दे, यह शरीर मेरा है ही नहीं। परसों एक गाड़ी के नीचे एक बालक आ गया, एक माता इतनी तेज दौड़ी, उसको लगा कि मेरा बालक यूनिफॉर्म पहने हुए था और दौड़ रही थी, काफी दूरी थी, तो दौड़ते दौड़ते उसका चेहरा दिख गया, जान में जान आ गई, सिर्फ इस निर्णय से मेरा नहीं है। बच्चा उतना ही दुखी है, बच्चा उतना ही परेशान है, एक्सीडेंट उतना ही स्तर का है, लेकिन माँ सुखी हो गई इस घोषणा से। कौन से घोषणा से? मेरा नहीं है। फिर भी वो गई, उसको उठाया, उसको अस्पताल सब काम किए, लेकिन अंदर अंदर चैन कम मिल गया, मेरा नहीं है। तो इसलिए वापस आ जाओ, सिर्फ दो पॉइंट पे बात की है। अज्ञान अपराध है, इसलिए हम सत्य ज्ञान करें। दूसरा, इस विश्व में कहीं अन्याय नाम की चीज नहीं है। अपनी लाइफ जितनी कंप्लेंट लेस बना सकें उतनी ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट लेस बना के निराकुल जीवन जिए। इस मंगल भावना से अभी की बात विराम करें।